हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की ग्लिटर शीट के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने मोर के पंख की शेप की बनाई है। इसमें मैंने तीन कलर की ग्लिटर शीट का यूज़ किया है, ग्रीन, ब्लू और रेड। इन तीनों की मैंने छोटी बड़ी पत्तियां काट के आपस में ने चिपकाया है। इनके ऊपर मैंने टीयर शेप के स्टोन यूज़ किए हैं। इस तरह हमारे ये एक पत्ती हमारे मोर के पंख की जैसी बन जाती है, इसलिए हमारी ये ड्रेस इस तरह से बनती है। ये ड्रेस 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। इसकी चोली के लिए मैंने चोली पे भी इसी तरह का एक छोटा फैदर बना के चिपका दिया है। बाजुओं के ऊपर मैंने मोती लगाए हैं, सॉरी स्टोन लगाए हैं, और नीचे की तरफ हम इसमें रिबन से इसे अटैच कर देते हैं, जिससे हमारी ओपन चोली बनती है। इसे बनाना शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरी ये ड्रेस आपको कैसी लगी। चलो हम अब इसे बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम तीनों कलर की ग्लिटर शीट लेते हैं। ये मैंने ग्रीन कलर के लिए, ब्लू कलर की और रेड कलर की, ये तीनों ग्लिटर शीट लेते हैं। अब हम एक चौकोर पेपर लेते हैं। इस पेपर के ऊपर हम एक पत्ती की शेप बनाते हैं। इस पत्ती की शेप बनाने के लिए मैंने इस पत्ती की लंबाई मैं 2.5 इंच लंबी लेती हूँ और इसकी चौड़ाई लगभग 1.5 इंच के करीब लेते हैं। इसे एक पत्ती की शेप में हम ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने इसे एक पत्ती की शेप में इस तरह ड्रॉ कर लेती हूँ। अब इसे मैं काट लेती हूँ। इस तरह हमारी ये पत्ती की शेप बन जाती है। ये हमारी सबसे बड़ी पत्ती है, तो इसे हम ग्रीन कलर की काटते हैं। तो इसे मैं ग्रीन कलर की ग्लिटर शीट पे ट्रेस कर लेती हूँ। इसे हम पेन से इस पर ट्रेस कर लेते हैं। इस पत्ती को हम इस पर अब कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हमारी पत्ती इस तरह की बनती है। अब हम ब्लू कलर की, इस तरह की हम ग्रीन पत्तियां और काट लेते हैं। अब हम ब्लू कलर की पत्ती काटते हैं, तो ब्लू कलर की पत्ती जो होती है हमारी, ये ग्रीन वाली से छोटी होती है। तो ग्रीन वाली हमने 2.5 इंच लंबाई के लिए थी, तो ब्लू कलर की हम 2 इंच लंबाई के लेते हैं। चौड़ाई हमने इसकी 1.5 इंच ली थी, तो उसकी चौड़ाई हम 1 इंच के करीब लेते हैं। इसी के ऊपर हम इसमें छोटा कर लेते हैं, इसे ड्रॉ करके इसकी 1/2 इंच की लंबाई कम कर देते हैं हम। इधर से थोड़ा सा छोटा करके इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसे भी हम कट कर लेते हैं। इस तरह की हम नीले रंग की ग्लिटर शीट के ऊपर पत्ती ट्रेस करके काट लेते हैं। इस तरह हमने ये नीले रंग की पत्ती काट ली। अब हम रेड कलर की पत्ती काटते हैं। तो रेड कलर की पत्ती के लिए जो हमारा ये पीस बनाया था हमने, अब इसे छोटी पत्ती निकाल काटते हैं। इसमें पेन से ट्रेस कर लेती हूँ और छोटे साइज की पत्ती काट लेंगे। अभी हमारे सबसे छोटे साइज की पत्ती हो गई रेड कलर के अंदर, हम इसे ट्रेस कर लेते हैं और इसे भी हम काट लेते हैं। इस तरह की हम रेड कलर की पत्ती काट लेते हैं। हमारे तीनों साइज की पत्तियां कट गई हैं। अब इन पत्तियों के ऊपर हम सभी जगह के ऊपर वाइट कलर की बॉल चैन लेते हैं, जो हम फेविकोल से चारों तरफ बॉल चैन लगाते हैं।
इस तरह हम तीनों पत्तियों के ऊपर गोल चैन लगा लेते हैं। ग्रीन वाली पे लगा ली हमने, ब्लू वाली पे और रेड वाली पे, इस तरह तीनों पत्तियों पर लगा लेते हैं। और ऐसे हम और पत्तियाँ भी काट के उन सभी पे हम गोल चैन लगा लेते हैं। इस तरह हम सभी पत्तियों की पत्तियाँ काट लेते हैं और सभी पे हम स्टोन चैन लगा लेते हैं, सॉरी बोल चैन लगा लेते हैं। अब हम एक ग्रीन वाली पत्ती के ऊपर हम ब्लू वाली पत्ती को चिपकाते हैं, उसके ऊपर रेड कलर वाली पत्ती को चिपकाते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन वाली पत्ती लेते हैं अपनी, एक ब्लू पत्ती के पीछे हम फेविकोल लगाते हैं, इसको इसको इस तरह किनारे पे इस तरह से चिपका देते हैं। अब इसके ऊपर हम रेड कलर की पत्ती को चिपका देते हैं, इस तरह हम सभी पत्तियों को आपस में चिपका लेते हैं। इस तरह हम पत्तियों पे तीनों तीनों पत्तियां आपस में चिपका लेते हैं। और तीनों पत्तियां चिपकाने के बाद हमारी ये मोर के पंख की जैसी डिजाइन बन जाती है। अब इन मोर पंखों हमें हैवी बनाना है तो हम इसमें स्टोन और लगा लेते हैं। तो इसमें स्टोन में इस तरह के टीयर शेप स्टोन लगाती हूँ। तो सेंटर में जो हमारा रेड वाला है, रेड वाली पत्ती, उसमें हम सेंटर में एक स्टोन लगाते हैं। उसके सेंटर में हम एक स्टोन लगा देते हैं, इस तरह इसके बिल्कुल सीध में ऊपर ब्लू वाले में भी एक स्टोन लगा देते हैं और ग्रीन वाले में भी एक स्टोन लगा देते हैं। इस तरह इसमें हम एक एक स्टोन लगा लेते हैं। अगर हमें इसे और हैवी करनी रहती है तो ब्लू वाली पत्ती में हम दो स्टोन और लगा लेते हैं, ग्रीन वाली में चार स्टोन और लगा लेते हैं, हमारी ये पत्ती और हैवी हो जाती है। इस तरह हमारा एक ये मोर का पंख तैयार हो जाता है। हम इसमें एक एक स्टोन भी लगा सकते हैं और इस तरह ये इसमें एक, तीन और पांच स्टोन भी लगा सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितनी हैवी ड्रेस बनानी है। अगर हमें हल्की ड्रेस बनानी है तो हम इसे एक एक स्टोन भी लगा सकते हैं और ये एक, तीन और पांच स्टोन भी लगा सकते हैं। और हमें बिल्कुल सिंपल बनानी है तो हम बिना स्टोन की बना सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आज हम ये हैवी ड्रेस बनाएंगे तो हम इसमें एक स्टोन, फिर तीन और फिर पांच स्टोन लगाते हैं। इस तरह हम सभी पत्तियों को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमने सभी अपनी मोर की ये पंख तैयार कर ली। सभी पे मैंने तीन तीन पत्तियां चिपका ली हैं और अपने स्टोन लगा के सभी पत्तियों को पूरा कर लिया है। ये हम लगभग 20 पत्तियां बनाते हैं तो हम इसमें एक या दो पत्ती हमारी कम और ज़्यादा भी हो सकती है हमारे लगाने में, तो हम इसे लगभग 20 पत्तियाँ बनाते हैं। कम पड़ती हैं तो हम एक पत्ती और बना लेते हैं, ज़्यादा रह जाती है तो हमारी एक पत्ती बच जाती है। अब इसको चिपकाने के लिए हम अपना घेरा लेते हैं। तो घेरा मैंने ग्रीन कलर का घेरा लिया है। ये घेरा मैं 6 इंच का घेरा काटती हूँ और सेंटर में से मैंने इसे 1.5 इंच का राउंड काटा है। तो मैं इसे मैं यहाँ बीच में से काट सीधा काट लेती हूँ हाफ करके। इसे इस तरह से हाफ करके काट लेती हूँ। सेंटर में से इसके गोले को भी मैं काट लेती हूँ। इस तरह हमारा ये घेरा बन जाता है। अब हम अपनी बूटियों को इसके ऊपर ग्लू गन की हेल्प से चिपकाते हैं। जो हमारा खुला हुआ हिस्सा है वहाँ से हम अपनी पत्तियों को लगाना शुरू करते हैं। तो हम अपनी पत्तियों को इस तरह आधा आधा तो हम घेरे के ऊपर रखते हैं, आधा हमारा घेरे के बाहर आ जाता है। जो हमारी घेरे की लंबाई भी पूरी हो जाती है और हमारी ड्रेस भी अच्छी लगती है। तो हम इसे यहाँ पे चिपका देते हैं।
इस तरह चिपकाते हुए अपने घेरे को पूरा कर लेते हैं। इस तरह हम अपनी ये फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट रो कंप्लीट होने के बाद हम अपनी यहाँ पे अब सेकंड रो कंप्लीट करते हैं। सेकंड रो लगाने के लिए हमारा ओपन वाला हिस्सा वहीं से हम शुरू करते हैं। इस तरह इसको थोड़ा टेढ़ा करके लगाते हैं जिससे दोनों पत्तियों के बीच में ही हमारी एक पत्ती आ जाती है। तो यहाँ पर हम इसे पत्ती को यहाँ पर कोने पर हम ग्लू गन लगा के फिर इसे पेस्ट करते हैं। तो इस तरह मैं यहाँ पर ग्लू गन लगा देती हूँ। इसे हम फेविकोल से भी पेस्ट कर सकते हैं। फेविकोल से पेस्ट करने पे थोड़ा इसमें टाइम लगता है और ग्लू गन से ये जल्दी हो जाता है, इसलिए हम इसे ग्लू गन से कर रहे हैं। तो हम इसे फेविकोल से भी पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह हम अपनी दूसरी पत्ती भी लगा लेते हैं। इस तरह हमारी ये दूसरी पत्ती लगा लेते हैं। इस तरह हम इस रो को पूरा कर लेते हैं। हमने सभी जगह पत्तियां लगा के अपनी घेरे को कंप्लीट कर लिया। इसमें कुल 21 पत्तियां लगी हैं। ये जो हमने पिकॉक की पत्तियां बनाई हैं, हमारी कुछ 21 पत्तियां लगी। इससे हमारा घेरा पूरा हो जाता है। अब हम अपनी चोली बनाते हैं। हमारा घेरा पूरा होने के बाद हम अपनी चोली बनाते हैं। चोली बनाने के लिए मैंने इस तरह से अपनी चोली को काट लिया है। इस चोली को बनाना मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाना बताया, आप उसे वहाँ से जाके भी इसे देख सकते हैं। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। इसे बनाने के लिए हम एक पीस चौकोर पीस ले लेते हैं, उसको फोल्ड करके साइड में बाजू निकाल के नीचे से कट कर लेते हैं और पीछे से कट कर लेते हैं। इस तरह हम अपनी चोली को बनाते हैं। अपनी चोली के चारों तरफ हम बोल चैन लगाते हैं। इस तरह हम चोली बोल चैन लगाते हुए अपनी चोली के चारों तरफ हम बोल चैन लगा लेते हैं। और यहाँ आगे की तरफ हम जिस तरह हमने अपनी घेरे के अंदर पत्तियाँ बनाई थी उसी तरह से हम इसमें पत्तियाँ बनाते हैं। लेकिन जो हमने ब्लू कलर की पत्ती बनाई थी उससे थोड़ी छोटी पत्ती बनाते हैं ब्लू कलर की। और उसके ऊपर लगाने के लिए हम रेड कलर की पत्ती लगाते हैं। इसके ऊपर भी हम बोल चैन लगा लेते हैं और इन दोनों को यहाँ आगे की तरफ हम लगा देते हैं। सभी जगह में बोल चैन लगा के ले आते। इस तरह हम अपनी चोली को कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने आगे की तरफ ये ब्लू और रेड कलर की पत्ती बनाई है जैसे हमने अपने चोली में लगाई थी, वो यहाँ पे लगा लिए। बीच में एक स्टोन लगाया, बाजू के ऊपर मैंने एक एक स्टोन लगा दिया। चारों तरफ मैंने इसमें बोल चैन लगा के इसे कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम पीछे की तरफ इसमें एक रिबन से हम इसे चिपका देते हैं जिसे हम इस तरह फोल्ड करके अपने कान्हा जी को पहना लेते हैं। तो इसमें आप कोई सा भी रिबन यूज कर सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू कोई सा भी रिबन यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रेड कलर का रिबन यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इसके पीछे ग्लू गन लगा के इसे रेड रिबन चिपका लेते हैं। इस तरह हमारी ये चोली कंप्लीट हो जाती है। चोली भी कंप्लीट हो गई, हमने अपना घेरा भी कंप्लीट कर लिया। बनाने के बाद कुछ हमारा घेरा इस तरह से बन जाता है। कंप्लीट होने के बाद चोली हमारी इस तरह से हो जाती है जिसे हम इस तरह फोल्ड करके अपने कान्हा जी को पहनाते हैं। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।